अलीगढ़ जनपद के छर्रा स्थित श्री शिव मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी समिति रजिस्टर द्वारा 75वां रामलीला महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई। कस्बा छर्रा में 75वां रामलीला महोत्सव 21 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। रामलीला महोत्सव का श्री गणेश छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह द्वारा गणेश पूजन के साथ किया जाएगा। छर्रा में रामलीला मनाने का इतिहास काफी पुराना है। देश की आजादी का पहला जश्न छर्रा की जनता ने स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की गुण गाथाओं को आजादी के जश्न के साथ खूब धूमधाम के साथ मनाया। तब से आज तक लगातार रामलीला महोत्सव मनाया जाता है। आज देश में हर तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में इस रामलीला महोत्सव का विशेष महत्व हो जाता है। इस बार 21 सितंबर को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। श्री शिव मंदिर प्रबंध समिति कार्यक्रम की रूपरेखा बना चुकी है। 21 सितंबर को गणेश पूजन के साथ इसका शुभारंभ होगा। 25 सितंबर को श्री राम बारात मेले का उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह द्वारा किया जाना है। वहीं 1 अक्टूबर को महाकाली मेले का आयोजन होना है, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह व ठाकुर स्वराज सिंह द्वारा किया जाना है। 7 अक्टूबर को श्री राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्री 108 राष्ट्रीय संत बाल योगी जी महाराज द्वारा होगा। 10 अक्टूबर को श्री कृष्ण अवतार मंचन के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। विजय आदर्श रामलीला एवं नाट्य कला मंडल अयोध्या द्वारा विश्व के आदर्श भगवान श्री राम के द्वारा जनमानस को जीवन जीने की कला, भाईचारा, आदर्श, प्रेम आदि का ज्ञान लीलाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राम भारत के ही नहीं विश्व के आदर्श। गौरतलब है कि श्री शिव मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी समिति के प्रधान महेश चंद्र उर्फ अरविंद उपाध्याय और मंत्री अनिल कुमार शर्मा, समिति के कोषाध्यक्ष मुरारी लाल माहेश्वरी, उप मंत्री मैनेजर श्याम बाबू शर्मा है। वही कमेटी के सदस्यों की बात करें तो प्रेम शंकर वार्ष्णेय, राजेंद्र प्रसाद पाठक, सत्येंद्र कुमार शर्मा, माया प्रकाश अग्रवाल, सुभाष चंद्र भारद्वाज, राकेश कुमार गोस्वामी, अशोक कुमार माहेश्वरी। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर ने समिति के पदाधिकारियों से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को लेकर बातचीत की। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये रामलीला जो महोत्सव है इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं महेश चंद्र अरविंद उपाध्याय और ये हमारे मंत्री जी हैं समग्र के और वरिष्ठ हैं, पुराने हैं वो हमारे, वो भी वरिष्ठ हैं श्याम बाबू शर्मा प्रबंधक जी और ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं ब्राइडल माहेश्वरी जी। और बताइए और क्या सीखिए आपको कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हो। कार्यक्रम के बारे में 21 सितंबर से और लीला शुरू होगी, जिसमें विधायक जी रविन्द्र पाल सिंह आएंगे और 25 तारीख को श्री राम बारात मेला निकलेगा और 1 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमद विजय सिंह जी आएंगे और सब बाकी जो है दशहरा मेला 5 तारीख को निकलेगा और बाकी सब गतिविधियां 8 अक्टूबर को जिला समाप्त। मैं पहले आपका परिचय और साथ में ये जो छर्रा की जो रामलीला है इसका क्या महत्व है और ये यहाँ कौन कौन कार्यक्रम किए जाते हैं इसमें। मैं श्री शिव मंदिर की तरफ जो रामलीला कम होती है उसमें प्रबंधक के पद पर हूँ, श्याम बाबू शर्मा मेरा नाम है। यहाँ जो रामलीला होती है ये गत 80 वर्षों से होती है, हमारे बाबा के टाइम में ये परंपरा डाली गई थी, उसी को निभाते हुए आज तक चले आ रहे हैं। इसका उद्देश्य भी ये है अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना, राम के आदर्शों का पालन करने के लिए आगामी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको
को उनके बारे में बताना, आपसी सद्भावना रखना, ये इसका उद्देश्य। धन्यवाद। मैं पहले आपका परिचय और रामलीला के समय क्या विशेषताएं हुआ करती हैं उन्हें बताएं थोड़ा। मैं मुरारीलाल महेंद्री निवासी है, यहाँ भूटा दुर्ग पर, और यहाँ सबसे बड़ा मंच है आसपास एरिया में, सबसे बड़ा मंच है रामलीला का। यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं, अनिल भाई बाजी भी आए हैं, और राय देसाई भी आए हैं, धन्यवाद। मैं पहले आपका पर्चा जानना चाहूंगा और रामलीला के बारे में आप क्या जानकारी देंगे इसमें। हमारा परिचय अध्यक्ष महोदय महेश चंद्र उपाध्याय, मैनेजर साहब श्याम बाबू शर्मा, ये हमारे केसियर साहब हैं, पुराईलाल जी माहेश्वरी, वरिष्ठ लिपिक श्री दर्शन बाबू शर्मा, नैनल कुमार शर्मा मंत्री। ये आपका ये खेमा महोत्सव है और इसमें क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं आपकी छराई रामलीला में? ये सन 1942 से रजिस्टर्ड संस्था है, उससे पहले भी श्री रामलीला महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दो वर्ष कोरोना के कारण कार्यक्रम न हो सका, लेकिन इस बार और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा।